नमस्ते डॉ दो, दोस्तों मैं डॉक्टर दीपक सैनी सीनियर जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन शेलबी हॉस्पिटल जयपुर आजकल जो ऑस्टिर्थैटिक्स है नी घिसना जिसको बोलते हैं आम भाषा के अंदर उसका जो एज का ट्रेंड है वो बदलता हुआ आ रहा है आज से 10-15 साल पहले एक तिरसठ चौंसठ तो साल का एवरेज एज होता था जिसमें लोग नी एडवास स्टेज ऑस्टिथैटिक के साथ हमारे पास आते थे जिनको रिप्लेसमेंट की आवश्यकता होती थी बट बदलती हुई दिनचर्या की वजह से हमारी लाइफ की वजह से इंडियन कल्चर्स की वजह से हेल्थ में अवेयरनेस नहीं होने की वजह से अभी ये जो एज का जो ट्रेंड है ये कम होता जा रहा है और अभी वॉस्टर्न आयु जो अभी मेरे पास हमारे पास सबके पास ही आ रहे हैं पेशेंट वो करीब करीब 50 से 55 साल होती आ रही है इसमें घुटने काफ़ी ख़राब करके लोग लाते हैं और बड़े भयभीत रहते हैं और उसमें सामाजिक कुछ भ्रांतियाँ हैं फिर मैं भ्रांतियों की बात करूँगा कि आपकी उम्र कम है आपको साठ साल से पहले ऑपरेशन नहीं कराना चाहिए लेकिन वो पचास साल का आदमी उसी टाइम हार्डली पचास मीटर भी ढंग से नहीं चल पा रहा होता तो क्या वो दस साल तक उनको वेट करना चाहिए नी रिप्लेसमेंट के लिए नहीं ये गलत है ये एक बहुत बड़ी भ्रांति है इस मेरे इस चैनल के माध्यम से मैं इस भ्रांति आपको दूर करना चाहता हूँ कि नी रिप्लेसमेंट की कोई एज नहीं होती अगर आप उतना पूरा ख़राब हो चुका है आपके घुटनों में टेढ़ापन आ गया है आपके चलने की क्षमता बिल्कुल कम हो गई है आप पचास कदम ढंग से नहीं चल पा रहे हैं आपकी जो व्यवसाय है उसमें हर्डल आने लगे हैं आपका व्यवसाय में लॉस हो रहा है बिकॉज आप एक्टिविटी नहीं कर पा रहे हैं तो आपको ऑपरेशन ये करा लेना चाहिए ये बहुत सक्सेसफुल ऑपरेशन है और ये ऑपरेशन तीन बार हो सकता है चार बार हो सकता है पहले के ज़माने में ये भ्रांति थी कि ऑपरेशन हो गया फिर नहीं हो सकता सपोज आप पचास साल के हैं आज आपका ऑपरेशन होता है एक ऑपरेशन की औतन आयु बीस साल होती है अगर आप सही सर्जन और सही इंस्टीट्यूट में करवाते हैं बीस साल में अगर आपका जो भी प्रोसेस में ल्यूजनिंग होता है या प्लास्टिक घिसता है या कुछ टूट फूट होती है तो उसको वापस वैसा ही रियूजन री, सर्जरी करके ठीक किया जा सकता है और अभी बहुत रिविजन सर्जरी हो रही है मैं कम से कम पर डे एक एवरेज भी बहुत बड़ा नंबर होता है किसी भी सर्जरी को रिविजन सर्जरी करने का और राजस्थान में हाईएस्ट रिविजन सर्जरी मैं करता हूँ रिविजन सर्जरी करने के बाद पेशेंट को वैसी की वैसी लाइफ वापस मिल जाती है जो रिप्लेसमेंट के प्राइमरी रिप्लेसमेंट के बाद, बाद मिलती है और वो पंद्रह से बीस साल फिर चलता है तो पचास साल का आदमी एक रिप्लेसमेंट कराता सत्तर साल तक सपोज सर्वाइव करता है और नी भी सर्वाइव करता है सत्तर साल में उसको वापस रिवाइज कर सकते हैं और वो नब्बे साल तक आराम से इतने एक लाइफ स्टाइल होता है इंडियन पेशेंट्स का सो इससे डरे नहीं आप जिस भी एज ग्रुप में आजकल तो मैंने दो तीन पेशेंट ऐसे भी देखे जो सैंतीस अड़तीस चालीस साल की उम्र में बिल्कुल बैठे हुए आए डरे नहीं बिल्कुल नहीं डरे और सक्सेसफुल ऑपरेशन में बहुत लंबा आजकल इम्प्लांट भी इतने अच्छे आने लगे हैं कि आपको 20-25 साल भी चल सकते हैं और 20-25 साल बाद दोबारा रिवाइज कर सकते हैं बहुत इजीली हो जाता है आधा एक घंटे का ऑपरेशन होता है फिर ठीक हो जाते हैं तो अपनी लाइफ को रोके नहीं लाइफ को हमेशा प्रोग्रेसिव रखें और अपनी फैमिली अपनी सोसाइटी और अपना सबका अपनी हेल्थ स्पेशली बिकॉज नी खराब होता है तो हेल्थ खराब होती है उन सब का ध्यान रखें आप बिल्कुल ठीक हो सकते हैं धन्यवाद